Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के मनी इन द बैंक 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। गाइज, आपको तो पता ही होगा, गाइज, जो WWE का जो मनी इन द बैंक का इवेंट है, गाइज, वो साल का उनका फोर्थ बड़ा इवेंट होता है उनके तीन बड़े इवेंट्स के बाद। और जो WWE के जो साल के तीन सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं, गाइज, वो है रॉयल रंबल, रेसलमेनिया और समर स्लैम। गाइज, WWE ये तीन प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बाद, हाँ, शायद से वो सर्वाइवर सीरीज को भी थोड़ा मानते हैं, लेकिन जैसे मनी इन द बैंक को भी एक फोर्थ नहीं तो थर्ड बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट मानते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हो सकते हैं पॉसिबल विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स जो हमको WWE के मनी इन द बैंक 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में देख सकते हैं। बात करने के पहले, गाइस, मैं आपको जो मनी इन द बैंक 2022 है, गाइस, उसके ऑफिशियल टाइमिंग्स बताना चाहता हूँ। सो गाइस, जो हमारा WWE का मनी इन द बैंक का 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट है, गाइस, वो हमको 3 जुलाई यानी यही संडे, गाइस, सुबह 5:30 AM को Sony 10.1 एंड Sony 10.3 पे दिखने वाला है। गाइस, जो मनी इन द बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट है, हमको, गाइस, लाइव दिखने वाला है 3 जुलाई यानी संडे को Sony 10.1 एंड Sony 10.3 पे एट 5:30 AM। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहले ही मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन बियांका बेलर वर्सेस कार्मेला। और अभी फिलहाल, गाइज, मुझे लग रहा है कि बियांका बेलर जो उनकी चैंपियनशिप हारने से नहीं रहेगी, क्योंकि जो कार्मेला है, गाइज, उन्होंने इतनी बड़ी स्टार है नहीं जो बियांका बेलर जो स्टार को डिट्रोन कर सकते, क्योंकि बियांका बेलर ने, गाइज, रेसलमेनिया 38 में बेकी लिंच जैसे इतने बड़े स्टार को हरा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब कार्मेला एक तरफ देखो और बेकी लिंच को देखो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किस कार्मेला जैसी स्टार, गाइस, बियांका बेलर को हरा के जीत सके, क्योंकि इस बियांका बेलर ने, गाइस, लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छे से मेहनत किया, यानी कि हम लास्ट 2 इयर्स पकड़ते हैं बियांका बेलर के, गाइस, बियांका बेलर ने, गाइस, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। और गाइस, जो कार्मेला है, गाइस, वो आपको पता है, जो हारते बैठती है हमेशा, मतलब वो जॉबर टाइप सुपरस्टार है, नो हेट अगेंस्ट, लेकिन गाइस जो रियलिटी है वो तो है ही ना, गाइस। इसलिए मुझे लगता है कोई ऐसा चांस नहीं बन रहा कि मैच में कार्मेला बियांका बेलर को हरा के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने वाले, इसलिए गाइस हमको जो बियांका बेलर है, जो कार्मेला को हराते हुए दिखने वाले है, और वो सक्सेसफुली उनकी WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाली है। फिर गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप बिटवीन द उसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा मैच, क्योंकि जो उसोस है, गाइस, वो कितने बड़े टैग टीम के रेसलर्स है, और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो कितने बोले, वो भी मुझे उसोस के नीचे ही आते हैं, यानी द न्यू डे और उसोस के बाद, गाइस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स मुझे लगता है WWE में ऐसी टीम है जिनका, गाइस, बहुत ही दबदबा है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं कि किसके सबसे चांसेस बनने वाले मैच में जीतने के। गाइस, मैं एक बार के लिए मान सकता हूं कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स उसोस को हरा सकती है अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन गाइस हम देखते हैं कि गाइस ये तो प्रीमियम लाइव इवेंट है, गाइस, वो है मनी इन द बैंक। इतने छोटे मोटे मनी इन द बैंक फोर्थ प्रीमियम लाइव इवेंट है WWE के बारे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको चैंपियनशिप हारने चाहिए तो वो होंगे 1 of the 3 बिगेस्ट इवेंट में होना चाहिए, इधर रेसलमेनिया नहीं तो रॉयल रंबल का समझ लाए। इसलिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट के क्रेडिबल अपोनेंट, लेकिन वो हरा नहीं सकते थे उसको। और सेकंड चीज है कि रोमन रेंज, जो कि कंपनी के 1 of the main फोकस है अभी फिलहाल, गाइस, वो तो कैसे अभी मतलब WWE में तो चैंपियनशिप लेके बैठने वाले हैं, तो तब तक रोमन रेंज चैंपियन है, तब तक उसोस भी चैंपियन होने वाले हैं। गाइस, कोई तो सेंस बन नहीं रहा कि गाइस उसोस और रोमन रेंज, यानी आप समझो, गाइस, कि उसोस चैंपियनशिप हारते तो रोमन रेंज उनको ग्रुप से निकाल लेंगे, और मुझे WWE को ब्लड लाइन खत्म नहीं करनी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि तो उसोस ही, गाइस, हमको मोस्ट प्रोबेबली मैच में जीतते हुए दिखने वाले और सक्सेसफुली उनकी WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले। फिर गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन ऑस्टिन थ्योरी एंड बॉबी लैशली। सो गाइस, WWE ने, गाइस, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मैच बना दिया मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि जो कि हमारे बॉबी लैशली, गाइस, वो अभी फिलहाल, गाइस, कंपनी के 1 of the top स्टार्स में से एक है, यानी, गाइस, अगर, गाइस, हम लोग ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, ड्रू
मैकइंटायर जैसे स्टार्स के बाद कोई स्टार्स को देखते गाइस, बॉबी लैशली वो स्टार है। गाइस मैं बहुत ही शक है बॉबी लैशली गाइस ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर लेंगे। वो एक बार समझ में आ गया गाइस क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का मैच करा रहा है। अगर वो है कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को बॉबी लैशली को देना है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, यानी गाइस आपको पता है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है गाइस वो अभी फिलहाल यूएस चैंपियन। और जैसे मैं वो रिपोर्ट में बोल रहा था गाइस कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी फिलहाल प्लान ये चल रहा है कि वो समर स्लैम 2022 में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना का मैच कराने वाले हैं। और अगर से कैसे मैच होता है मोस्ट प्रोबेबली जो जॉन सीना है गाइस वही हमको जीतते हुए दिखने लगे। ऑस्टिन थ्योरी इतने बड़े स्टार है कि नहीं कि जो जॉन सीना को हराने वाले, इसलिए अगर से वो मैच में चैंपियनशिप होने लगे और जॉन सीना वो मैच जीतने वाले, तो जॉन सीना चैंपियन बनेगा। जॉन सीना गाइस अभी एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है, अगर उनको समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार भी नहीं दिखने गाइस कोई सेंस नहीं बनता कि जॉन सीना को चैंपियन बनाएंगे वो चैंपियनशिप मैच में डाले। इसलिए गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस इसलिए ऐसा कर रही है कि वो बॉबी लैशली को मुझे लगता है कि चैंपियनशिप ये प्रीमियर लीग में देने आ रही है और फिर हमको ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना का मैच दिखने वाला है। यानी गाइस ऐसा भी हो सकता है जो हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना गाइस वो ये मैच में इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं और वो खुद बॉबी लैशली की मदद करते हुए दिख सकते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने में, जिससे कि उनका जो ऑस्टिन थ्योरी का फ्यूरी गाइस वो ऑफिशियली चालू हो जाएगा। गाइस मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि हमको दिखने वाले ये मैच में नया चैंपियन और जो कि हमारे बॉबी लैशली गाइस वो हमको बनते हुए दिखने वाले द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रोंडा राउजी वर्सेस नेटालिया। गाइस ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मैच है मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। हालांकि इनकी जो फ्यूड है गाइस वो अच्छी खासी रही है, नहीं बुरी भी नहीं रही है। बिना इसके बात करते हैं कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस बनने वाले मैच में जीतने के। सो गाइस जो रोंडा राउजी गाइस आपको पता है कितनी बड़ी स्टार है WWE में और इस WWE कभी भी रोंडा को हराने के पहले गाइस 100 बार सोचते हैं। यानी कि WWE गाइस उनको पता है कि रोंडा राउजी इतनी बड़ी स्टार है कि वो भी खुद 100 बार सोचते हैं कि किसके अगेंस्ट उनको जिताना है किसके अगेंस्ट उनको हराना है। मुझे भी यही लगता है कि WWE गाइस रोंडा राउजी को ये मैच में तो नहीं हारने लगे। जैसे नेटालिया है वो पता है गाइस WWE क्या कर देगा, वो अब लोगों खाली सुपरस्टार्स को पुट ओवर करने के लिए मदद करते हैं। जो नेटालिया है गाइस उनको अभी WWE में बहुत साल हो गए और WWE उनको फिलहाल एक ही काम के लिए यूज करते हैं, वो है गाइस नए स्टार्स बनाने में। और वो हमको मोस्ट प्रोबेबली ये मैच में रोंडा राउजी को पुट ओवर करते हुए दिखने वाली और वो मोस्ट प्रॉब्लम हमको हारते हुए दिखने वाले। जैसे रोंडा राउजी हमको ये मैच में नेटालिया को हराते हुए दिखने वाली और सक्सेसफुली उनकी WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के बात करते गाइस जो कि हो सकता है शो का सेकंड बड़ा मैच होने वाला है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच। गाइस आपको पता है कि गाइस WWE एवरी ईयर दो मनी इन द बैंक लैडर मैचेस कराते हैं, उसमें से गाइस एक मेंस के लिए रहता है और एक वुमेन्स के लिए। वैसे वुमेन्स मैच के बारे में बात करने वाले तो अभी फिलहाल गाइस वुमेन्स के मैच के लिए गाइस WWE ने गाइस अभी फिलहाल 7 सुपरस्टार्स ऑफिशियली अनाउंस किया। गाइस WWE ने जो वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच है जो भी बन रही मंडी गाइस मैच जीतेगी जो बनेगी मिस वुमेन्स मनी इंटरबैंक लैडर मैच में गाइस WWE ने गाइस अभी फिलहाल गाइस खाली 7 ही लड़ी यानी गाइस 7 ही सुपरस्टार्स को अनाउंस किया ये मैच के लिए। गाइस उसमें से एक है लिव मॉर्गन, फिर आती है गाइस बैकी लिंच, फिर आती है गाइस ऑस्का और गाइस फिर आती है एलेक्सा ब्लिस, फिर गाइस आती है लेसी एवेंस, फिर गाइस आती है रॉगल रॉड्रिगस और गाइस फिर आती है शॉटजी। गाइस ये सुपरस्टार्स WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किए। गाइस किसके सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं ये मैच में जीतने के। सो गाइस मैं पहले गाइस ये जो मैंने प्रेडिक्शन की चीज में मैं गाइस दो सुपरस्टार्स को निकालने को देख रहा हूं गाइस वो है ऑस्का और बेकी लिंच। वैसे दोनों ही स्टार्स कंपनी में बड़े स्टार्स हैं, मुझे लगा गाइस इनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की कोई जरूरत है। गाइस बाकी के जो स्टार्स है गाइस वो है एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, रॉकेल रॉड्रिगस, लेसी एवेंस और शॉजी। गाइस मुझे लगता है गाइस जो हम लोग टॉप 3 में किसको रख रहे हैं वो है लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस और लेसी एवेंस। गाइस अभी ये तीनों सुपरस्टार में और एक बंदे को निकालने को देखते हैं गाइस वो है लेसी एवेंस। गाइस लास्ट दो सुपरस्टार्स दो बचते गाइस वो है लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस। गाइस ये दोनों में से कौन हमको पॉसिबली जीतते हुए देख सकता है, यानी गाइस एलेक्सा ब्लिस के भी अच्छे खासे चांस है और लिव मॉर्गन के भी। गाइस मुझे लगता है कि हमको पॉसिबली गाइस जो एलेक्सा ब्लिस है गाइस वो हमको मिस मनी इन द बैंक बनते हुए देख सकते हैं। एलेक्सा ब्लिस है गाइस वो हमको 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, उसके ऊपर भी हो गए कि कैसे हमको कोई
डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टॉप चैंपियनशिप्स वो होल्ड करते हुए नहीं देखे। और जो एलेक्सा ब्लिस है जो कंपनी की सबसे बड़ी है, मुझे लगता है बहुत ही एक सुपर हिट है एलेक्सा ब्लिस ने गाइस लास्ट 4-5 ईयर्स में इतनी बड़ी चैंपियनशिप होल्ड नहीं की। एलेक्सा ब्लिस का मनी इन द बैंक बिखे देती है, उनको रिफ्रेश भी होगा कैरेक्टर, क्योंकि बीच में जो कैरेक्टर है एलेक्सा ब्लिस का वो भी खराब हो गया था, बिकॉज उन्होंने फीन ब्रे वायर को ज्वाइन किया था। गाइस नो हेट अगेंस्ट द फीन ब्रे, लेकिन मुझे लगता है सबसे गाइस एलेक्सा ब्लिस ने फीन ब्रे वायर को ज्वाइन किया, उनका करियर पूरा डाउनफॉल में चला गया। और मुझे लगता है एलेक्सा ब्लिस को उनका करियर वापस बैक इन ट्रैक लाना था, उनको मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतना चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा उनके WWE की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। चलिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो कि हमारी एलेक्सा ब्लिस है गाइस, वो हमको WWE के वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में ऑस्का, बेकी लिंच, शॉर्टी, लेसी एवेंस और लिव मॉर्गन जैसे स्टार्स को हराते हुए दिखने वाली है, और वो हमको बनते हुए दिखने वाली है द WWE मिस वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में। फिर गाइस बात करते हैं शो के मेन हाईलाइट, शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि होने वाला है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, जिसमें गाइस होने वाले हैं हमारे 7 WWE सुपरस्टार्स, जो WWE ऑफिशियली अनाउंस किया गाइस अभी तक वो है 6 सुपरस्टार, जो है गाइस हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, ओमोस, सैमी ज़ेन, शेमस एंड रिडल। गाइस जो एक स्पॉट है गाइस वो अभी भी खाली है, और गाइस उसमें सरप्राइज वाला एलिमेंट बोल रहा है तो पॉसिबली गाइस ये मैच में हो सकता है। गाइस हमको ये मैच में गाइस पॉसिबली जो 4 सुपरस्टार्स है गाइस वो हमको वो 7th स्पॉट लेते हुए दिख सकते हैं। गाइस पहला नाम आता है हमारे 14-time वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन। गाइस पॉसिबली गाइस रैंडी ऑर्टन हमको ये 7th स्पॉट लेते हुए दिख सकते हैं। गाइस सेकंड नाम आता है हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। गाइस तीसरा नाम आता है हमारे 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, और चौथा नाम आता है गाइस द फीन ब्रे वाइट। गाइस अगर से गाइस WWE गाइस मनी इन द बैंक तक भी एक स्पॉट खरीद, गाइस ऐसे पॉसिबली लगता है कि हमको एक सुपरस्टार ये मैच में रिटर्न करते हुए दिखने वाला है। गाइस ब्रैंड आई मिस के बात करते हैं कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस बनने वाले मैच में जीतने के। सो गाइस पहले तो गाइस मैं खुद सुपरस्टार्स को बाहर कर देता हूं जिसके चांसेस सबसे कम है ये मैच में जीतने के। गाइस एक नाम है ओमोस, एक नाम है ड्रू मैकइंटायर और एक नाम है शेमस। अभी आप लोग ड्रू मैकइंटायर का नाम सुन के बहुत ही शॉक हो गए कि मैंने गाइस इतने बड़े स्टार को विनर के प्रेडिक्शन से बाहर निकाला। गाइस बात ऐसे गाइस WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो हमारे ड्रू मैकइंटायर है गाइस वो क्लैश ऑफ द कासल के प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंज को चैलेंज करते हुए दिखने वाले फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। गाइस कोई सेंस नहीं बन रहा है कि अगर ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक ब्रीफ के जरिए, गाइस मैं इसलिए गाइस ड्रू मैकइंटायर को अभी फिलहाल बाहर कर रहा हूं। फिर गाइस बात करते हैं जो भाई बाकी के जो टीम कॉम्पिटिटर है वो है गाइस हमारे सेट फ्रीकिंग रॉलिंस, फिर गाइस एक खाते है रिडल, फिर सैमी ज़ेन, और जो गाइस हमारा अनाउंस है जो वैसे वो स्पॉट खाली है वो वाला बंडा। गाइस मैं अभी और दो बंडा को निकालता हूँ गाइस, वो है हमारे सैमी ज़ेन और रिडल, क्योंकि सैमी ज़ेन गाइस मुझे लगता है उनको इतना तैयार किया गया उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्ड करते दिख सकते हैं, और जो हमारे रिडल भी है गाइस उनके भी कोई चांसेस कम ही को मैच जीतते हुए दिखने वाले। फिर अभी फिलहाल दो ही स्पॉट्स बचते हैं, वो है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और वो रिटर्निंग सुपरस्टार का स्पॉट। गाइस पॉसिबली गाइस दोनों स्टार्स में थे भी गाइस मुझे लगता है गाइस एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि रिटिंग स्टार कोई भी हो सकता है, उसके चांसेस गाइस ऑब्वियसली ज्यादा तो होने वाले हैं। लेकिन इसमें किसको पिक करो, क्या मैं वो रिटर्निंग स्टार को पिक करके एक सेफ साइड में जाऊंगा तो क्या मैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को पिक करूंगा। गाइस आप सही सुन रहे हैं गाइस, मैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो हमको ये साल के मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हुए दिखने वाले। गाइस बात ऐसे गाइस जो हमारे सेथ रॉलिंस गाइस उनको तो पहले वाले बहुत ही बड़ा सर्व, क्योंकि उन्होंने लास्ट 2 साल में तब से उन्होंने हील टर्न किया गाइस, उन्होंने गाइस तो बहुत ही लॉसेस लिए है खुद के, यानी गाइस बहुत ही सेल्फलेसली गाइस सेथ रॉलिंस ने गाइस बहुत ही मैचेस हारे, जैसे कि गाइस उन्होंने हमको सिजारो, केविन ओवेंस, फिर गाइस क्या बोलते हैं हम लोग कोडी रोड्स जैसे बड़े बड़े स्टार्स को पुट ओवर करते हुए दिखाया, जैसे कि सेथ रॉलिंस गाइस उन्होंने गाइस बहुत ही मेहनत किया, उनकी क्रेडिबिलिटी गाइस थोड़ी डाउन हो गई अकॉर्डिंग टू लाइक, अगर हम ये सेथ रॉलिंस को गाइस लास्ट 3 ईयर्स से कंपेयर करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स की अगर सेथ रॉलिंस के पास गाइस ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी, इसलिए मुझे लगा कि वो क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए गाइस सेथ रॉलिंस को मिस्टर मनी इन द बैंक बनना चाहिए। सेथ रॉलिंस के कंपनी के बड़े स्टार है गाइस विदाउट क्रेडिबिलिटी गाइस वो कंपनी के एनिमी वो ज्यादा कैरी नहीं कर सकती कंपनी को, क्योंकि जो हमारे कंपनी के टॉप 4 स्टार्स है ब्रॉक लेसनर, जॉन रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन सेथ रॉलिंस गाइस उसमें से तो तीनों टॉप स्टार्स है गाइस वो तीनों पार्ट टाइम सुपरस्टार्स है, और जो हमारे सेथ रॉलिंस गाइस वो ही अकेले एक फुल टाइम सुपरस्टार है। मुझे लगा कि सेथ रॉलिंस गाइस
मनी इन द बैंक ब्रीफ कैस देने, जैसे कि उनकी क्रेडिबिलिटी वापस आएगी और फिर से गाइस हम उनको एज अ वर्ल्ड चैंपियन भी देख सकते हैं। रिपोर्ट ऐसे भी आ रही है कि जबरदस्ती का प्लान है रेसलमैनिया 39 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करना, वो भी गाइस एक फॉर अ वर्ल्ड टाइटल पॉसिबली। गाइस सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफ कैस जीत के हमको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि हमको हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस गाइस ये मैच में हमारी दी ऑलमाइटी ओमोस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर शेमस सैमी ज़ेन रिडल और जो अनअनाउंस्ड अपोनेंट गाइस उनको हराते हुए दिखने वाले और वो हमको बनते निकले ये सारे के मिस्टर मनी इन द बैंक। पर गाइस वीडियो यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि जैसे कि गाइस मैंने आपको बोला कि ये वीडियो में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, और गाइस वो होने वाला है पॉसिबली गाइस हमारे जो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है गाइस वो हमको ये ही नाइट उनकी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैशिंग करते हुए दिख सकते हैं। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं गाइस, हमारे जो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया कि गाइस वो हमको WWE की मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतते हुए दिखने वाले और हमको मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हुए गाइस वो हमको पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा शॉकर देते हुए देख सकते हैं। और पॉसिबली जो रोमन रेंस की जो गाइस WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है गाइस उसमें से जो एक चैंपियनशिप है जो गाइस WWE चैंपियनशिप गाइस उसके ऊपर गाइस हमारे जो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है गाइस वो कैशिंग करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जो WWE गाइस उनका अभी फिलहाल ये प्लान चल रहा है कि गाइस वो सेथ रॉलिंस को मिस्टर मनी इन द बैंक बनाने के बाद गाइस वो उनको WWE चैंपियनशिप देने वाले जो कि रोमन रेंज के पास है। अभी आप लोग मन में सोच रहे कि रोमन रेंज का मैच ही नहीं तो रोमन रेंज प्रीमियम लाइव में करेंगे क्या, तो इस पॉसिबली सीन ऐसा लगे मैच के बाद जो रोमन रेंज है गाइस वो सेथ रॉलिंस को एक सुपरमैन पंच लगा के रिंग के बाहर फेंक रहे हैं और तभी गाइस वो ब्लड लाइन के साथ सेलिब्रेट करेंगे कोई किसमें हिम्मत नहीं है मुझे मारने के लिए। और तभी गाइस सेथ रॉलिंस देंगे एक बहुत ही बड़ा जवाब हमारे रोमन रेंज को और वो अटैक करते हुए दिख सकते हैं। और फिर गाइस वो हमको उनकी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैशिंग करते हुए दिखेंगे और वो पॉसिबली गाइस WWE चैंपियनशिप के सिर्फ ऊपर ही कैशिंग करेगा और पॉसिबली गाइस वो कैशिंग करके बन सके द न्यू WWE चैंपियन। और जो उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो तो रोमन रेंज के पास ही रहेगी, उनका सेट में पॉसिबली मनी इन द बैंक बन सकता है न्यू WWE चैंपियन। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।